एमपी में आम आदमी पार्टी ने बनाया बड़ा प्लान, और ये प्लान क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ने वाला है? आम आदमी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रही है, इतने आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी ने दरअसल अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी है। टिकट बंटवारे को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने प्लान बनाया, और ये बात बड़ी बात कही गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल दरअसल इंदौर पहुंची थी। पार्टी की रणनीति को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी ने अभी से अपना एक तैयारी शुरू कर दी है, और उनको भरोसा है कोई तीसरा विकल्प जो है उस पर जनता भरोसा जता सकती है। जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी के हमारे मार्गदर्शक, हमारे मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और राज्यसभा सांसद और संगठन के महामंत्री संदीप पाठक जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश की देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा, और हमारी तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। हमारा संगठन लगभग बन चुका है और संगठन बूथ तक की पूरी तैयारी हो रही है। जून तक कुछ प्रत्याशियों के नाम भी आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी एक सर्वे के हिसाब से टिकट का वितरण होगा। कुछ टिकटें चुनाव जून में बांट दी जाएंगी और कुछ इसी तरह क्रमशः चलता रहेगा। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में की तर्ज पर जो काम हो रहे उस मॉडल को लेकर और जो पंजाब में काम हो रहे हैं उस मॉडल को लेकर, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली पानी, महिलाओं की सुरक्षा, युवा भाइयों के लिए रोजगार, किसान भाइयों के लिए, मजदूर के लिए, सभी वर्गों को लेके और पंजाब में जो काम हो रहे हैं उस कामों को लेकर मध्य प्रदेश के एक एक घर तक, एक एक कार्यकर्ताओं के साथ उस काम को लेकर हमारी शुरुआत हो रही है। और घर घर तक पहुंचकर दिल्ली के तर्ज पे जो काम, उस कामों को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा और अपनी सरकार बनेगी। रानी अग्रवाल कह रही हैं कि तीसरे विकल्प पर जनता भरोसा जता सकती है, और आम आदमी पार्टी ने बड़ा प्लान बनाया है, और खासतौर से एक प्लान जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं टिकट बंटवारे को लेकर। क्या आने वाले वक्त में ये प्लान काम आएगा आम आदमी पार्टी का? क्योंकि रानी अग्रवाल बता रही थी कि 100 से ज्यादा, लगभग 120 सीटें ऐसे हो सकती है जहां पर आम आदमी पार्टी सिर्फ महिला चेहरों को टिकट देंगी। नहीं, आम आदमी पार्टी में पूरा महिला संगठन हमारे प्रदेश की अध्यक्ष बन चुकी है, पूरे हर जिले वाइज में महिलाओं का संगठन बन चुका है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारी हर विधानसभा में लगभग 100 से 120 सीटें ऐसी होंगी कि मैं महिलाओं को प्राथमिकता दूंगी। पारी जी, यानी कि महिला चेहरे ही मैदान में उतरते हुए नजर आएंगी 230 में से लगभग 120 सीटों पर। तो ये एक बड़ी रणनीति आम आदमी पार्टी ने बनाई है, क्योंकि दूसरी पार्टियों में अगर आप बात करें कांग्रेस या बीजेपी की, इस संख्या में महिलाओं को टिकट मिलना मुश्किल लगता है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उनकी महिला कैंडिडेट रानी अग्रवाल जो प्रदेश अध्यक्ष जानकारी दे रही थी, वो खुद महिला प्रत्याशी थी और महापौर का चुनाव उन्होंने जीता, तो एक रणनीति टिकट बंटवारे को लेकर जो है वो साफ तौर पर ये नज़र आई है कि महिलाओं को 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए, इसका एक असर होगा। साथ ही साथ टिकट बंटवारे में पहले से पार्टी जो है वो सर्वे करवा रही है, और पार्टी इस स्थिति में पहुँचने की कोशिश कर रही है कि उनके कैंडिडेट जो है जिस सीट पर चुनाव लड़े वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ पाए। अब यही वजह है कि दो मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियों के बीच में आम आदमी पार्टी जो है वो अपना दांव जो है वो अभी से चलना शुरू कर चुकी है। देखने वाली बात यह है कि चुनाव में कितना असर आम आदमी पार्टी के इस प्लान का दिखेगा। इंदौर से आपको एक बार पहुंचाए धर्मेंद्र शर्मा ने, आप देखकर एमपी तक।